हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये जुड़ी हुई साइड है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11.5 इंच। अभी ऊपर से हमें कमर की लेंथ लेनी है, तो मैं ले रही हूँ 14 इंच। और हिप लेंथ लेनी है 20 इंच। अभी यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। और यहाँ पे हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है। और 1/2 इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पे भी 3 इंच लेना है और एक बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अभी देखिए यहाँ पे बॉटम में लेंथ मार्क की है हमने 42 इंच। टोटल लेंथ 42 इंच है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से जो कपड़ा बचेगा हम उसमें स्लीव कट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो देखिए मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को हटा देंगे। और फ्रंट पार्ट को वापस 2 फोल्ड करना है। और अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे सेंटर से भी कट कर देंगे फ्रंट पार्ट को। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 8.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उसमें 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव की लेंथ मैंने ली है 11 इंच। अभी यहाँ पे ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे। इस तरह से और स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच।
और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। और अभी स्लीव की कटिंग करनी है, तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, इसे ओपन कर लेना है और हाफ इंच अंदर से मार्क करना है फ्रंट स्लीव, और इसे हम कट कर देंगे। अभी देखिए हम स्टिचिंग करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पे हम पैनल लगाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच, और इसकी लेंथ जितनी इसकी लेंथ है इतनी पूरी लेंथ लेनी है इसकी। अभी हम इसे सेंटर पे लगाएंगे, इन दोनों पार्ट्स के बीच में हम इसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसे अटैच करना है और इसी तरह से इस पार्ट को भी इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। अभी ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। और इस पार्ट को उठा के हम इस तरह से सेंटर लाइन पे रखेंगे, जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ तक ही रखना है। और यहाँ पे हम पिन लगा के सिक्योर करेंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी उठा के यहाँ पे रखना है सेंटर लाइन पे, और यहाँ पे भी हम पिन लगा के सिक्योर करेंगे। अभी हम यहाँ से इसे स्टिच करके अटैच कर लेंगे, जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक इसे स्टिच कर लिया है, उसके बाद में ये हमारा इस तरह से ओपन रहेगा। अभी हम नेक की फिनिशिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने स्ट्रिप को टर्न कर लिया है, बाद में हम यहाँ पे हैंड स्टिच करेंगे। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इसे रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने बैक नेक बना लिया है, अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए हमें शोल्डर पे सिलाई लगा के शोल्डर अटैच करना है। अभी देखिए स्लीव पे हम ये बॉर्डर लगाएंगे, तो बॉर्डर की लेंथ मैंने ली है 4 इंच, तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अभी हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पे बॉटम में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने स्लीव में बॉर्डर लगा दिया है, अभी हम स्लीव को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो इसके लिए स्लीव को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे
और इस तरह से स्टिच करके इसे अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अटैच करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव को अटैच कर लिया है, अभी हम इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम स्लीव से लेके बॉटम तक फिटिंग कर लेंगे और बॉटम में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।